नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक मोहित कुमार अपने YouTube चैनल मोहित तंत्र पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। साधना आरंभ करने से पहले मैं अपने गुरु को नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझको इस लायक बनाया कि मैं आज भारत की प्राचीन विद्या आप लोगों को दे रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए अग्निवीताल की साधना लेके आया हूँ। साधना देने से पहले कुछ बातें बता देता हूँ कि अग्निवीताल के बारे में, कि आप लोगों ने दानवीर करण का नाम तो सुना ही होगा। करण के अग्निवीताल सिद्ध था दोस्तों। यह रोज करण को 2 किलो सोना दिया करता था। करण उस सोने को दान किया करता था, इसलिए करण दानवीर कहलाता था। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तब करण कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। इस युद्ध में दंडिवधारी अर्जुन और करण जब आमने सामने युद्ध के लिए आते थे, जब अर्जुन करण पर तीर चलाता था तो करण का रथ 100 फीट पीछे चला जाता था, और जब करण अर्जुन पर तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ 10 फीट पीछे चला जाता था। जैसे ही करण के तीर से अर्जुन का रथ पीछे जाता था तो तुरंत भगवान कृष्ण बोलते थे कि क्या बात है करण, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तो दोस्तों, इस बात को सुनकर अर्जुन को गुस्सा आता था और वो कृष्ण जी से पूछता था कि आप करण की बढ़ाई क्यों कर रहे हो, बल्कि हर बार मेरे तीर से उसका रथ 100 फीट पीछे जा रहा है और उसके वार से मेरा रथ सिर्फ 10 फीट पीछे जा रहा है, तो आप उसकी बढ़ाई क्यों कर रहे हो। तब अर्जुन से भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन, तेरा रथ को मैं खुद चला रहा हूँ, और जो कि 3 लोकों का स्वामी है, अर्थात 3 लोकों का वजन तेरे रथ पर है, और वीर हनुमान जी तेरे रथ की छतरी पर बैठे हैं, और ना जाने कितने दिव्य शक्तियाँ तेरे रथ पर हैं, फिर भी तेरा रथ करण के तीर से 10 फीट पीछे खिसक जाता है। अब सोच कि अगर तेरे रथ से ये शक्तियाँ अलग हो जाएं, तो करण के तीर से वार से तेरा रथ अंत में चला जाएगा, अंत में, जिधर से तुम कभी लौट कर नहीं आ पाओगे, उसको बोला कृष्ण भगवान ने। अब आप खुद सोचो अग्निवीताल में कितनी ताकत होगी। दोस्तों, अग्निवीताल जिसके सिद्ध हो जाता है उसको जीवन में किसी बात की कोई भी कमी नहीं रहती है। साधक तो अग्निवीताल रोज सोना लेके देता है, साधकों को अग्निवीताल रोज सोना लेके देता है, और भी बहुत कुछ अग्निवीताल साधक के बोलते ही कर देता है। शमशान की सारी शक्तियाँ उस साधक से डरती हैं जिसको अग्निवीताल सिद्ध होता है। दोस्तों, अगर किसी साधक को यह साधना करनी हो, वो हमारे दिए हुए फ़ोन नंबर पे SMS कर सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक में जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं तांत्रिक मोहित कुमार विदा लेता हूँ और जल्दी ही वापस लौट कर आता हूँ एक और नई और लुप्त हुई चुकी साधना के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों। We'll be right back.